गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर फर्स्ट पेपर नंबर थर्ड 3D डायमेंशन में यूनिट नंबर फर्स्ट स्पेयर के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने स्पर्श तल प्रतिबंध, कोई समतल किसी को स्पर्श करता है तो उसका समीकरण, किसी स्पेयर को कोई समतल प्लेन जो है वो क्या करता है, स्पर्श करता है तो उसका समीकरण, उसके लिए स्पर्शता का प्रतिबंध और एक बिंदु की क्या थी वो, एक बिंदु की समता के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे समतल के ध्रुव के बारे में, उस संपर्क तल के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो अब पढ़ेंगे हम संपर्क तल के बारे में। संपर्क तल का मतलब स्पर्श बिंदु तल, संपर्क तल का मतलब स्पेयर पे कोई समतल है वो उसको तल स्पर्श कर रहे हैं तो उसका समीकरण क्या होगा, मतलब उस संपर्क तल का समीकरण क्या होगा उसके बारे में पढ़ना है। परिभाषा देखो डेफिनेशन, परिभाषा देखो क्या है, किसी दिए हुए बिंदु को, किसी दिए हुए बिंदु को ये बिंदु का सुनो, किसी दिए हुए बिंदु का गोले के सापेक्ष, किसी दिए हुए बिंदु का गोले के सापेक्ष संपर्क तल, क्या बोल रहे हैं, किसी दिए हुए बिंदु का गोले के सापेक्ष संपर्क तल वह समतल होता है जिस पर दिए हुए बिंदु से गोले पर खींचे गए दिए गए बिंदु से गोले पर खींचे गए खींचे गए स्पर्श समतलों की समतलों के स्पर्श बिंदु विद्यमान हो। आया समझ में? देखो क्या बोल रहे हो, किसी दिए हुए बिंदु का गोले के सापेक्ष स्पर्श तल वह समतल होता है जिस पर दिए हुए बिंदु से गोले पर खींचे गए स्पर्श समतलों के स्पर्श बिंदु विद्यमान हो। ठीक है, देखो कैसे, जैसे डायग्राम स्फीयर है, इसका एक पी पॉइंट है, इसके पॉइंट है अल्फा बीटा और गामा। देखो कह रहे किसी दिए हुए बिंदु का गोले के सापेक्ष, अभी कोई बिंदु है ही ए बी और सी, ठीक है,
तो क्या बोला उसने देखो, बिंदु किसी दिए हुए बिंदु का गोले के सापेक्ष स्पर्श समतल। देखो ये दिया हुआ किसी दिए हुए बिंदु का गोले के सापेक्ष स्पर्श तल वह समतल होता है जिस पर दिए हुए बिंदु से गोले पर खींचे गए स्पर्श समतलों के स्पर्श बिंदु विद्यमान हो। जैसे अपने ये समतल बना दिए इस पॉइंट से पास हो गए, बना दिया और में है ना, देखो समझ में आया। देखो क्या बोला, किसी दिए हुए बिंदु से गोले के सापेक्ष स्पर्श तल। ये देखो ये लाइन ऐसे जाएगी तो इस पॉइंट पे स्पर्श करेगी, तो यहां से गुजरने वाले समतल जैसे एक ये समतल गुजर गया, एक मान लो ये समतल गुजर गया, एक और कोई समतल गुजर गया, तो यहां से गुजरने वाले जिस पर दिए हुए बिंदु से गोले पर खींचे गए स्पर्श समतलों के स्पर्श बिंदु, तो इन स्पर्श समतलों के जो स्पर्श बिंदु होंगे ना वही क्या कहलाएंगे, उसकी स्पर्श बिंदु तल कहलाएंगे या संपर्क तल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, संपर्क तल कहलाएंगे। इसका स्क्रीन शॉट ले लो फिर आगे चलते रहो, यहाँ इसका समीकरण जो बनेगा वो भी देख लो। देखो अतः डेरिवेशन आती नहीं है, वो करनी नहीं है, अपने ध्यान रखनी है। अतः ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, मैं नीचे लिखता हूँ ना, अतः ए एक्स बी वाई सी जेड प्लस यू एक्स प्लस ए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस यू एक्स प्लस ए वी वाई प्लस बी डब्ल्यू जेड प्लस सी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड यू यू आई डब्ल्यू एक्स प्लस ए वी वाई प्लस बी डब्ल्यू जेड प्लस सी प्लस डी इक्वल टू जीरो, जो बिंदु ए ए बी और सी बिंदु ए ए बी और सी का गोले ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस यू एक्स प्लस ए बी वाई प्लस बी डब्ल्यू जेड प्लस सी प्लस डी इक्वल टू जीरो, जो बिंदु ए ए बी और सी का गोले के सापेक्ष गोले के सापेक्ष अभिष्ट अभिष्ट संपर्क तल का समीकरण, अतः ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस यू एक्स प्लस ए वी वाई प्लस बी डब्ल्यू जेड प्लस सी प्लस डी इक्वल टू जीरो, जो बिंदु ए ए बी सी क्या गोले के सापेक्ष अभिष्ट स्पर्श समतल तल का समीकरण है। समझ में आ गया, ये ध्यान रखना, ये काम आएगा क्वेश्चन में इसलिए लिखवा रहे हैं, ठीक है। इसका स्क्रीन शॉट ले लो फिर आगे चलते देखो। ये चले आगे देखो, आगे देखो अपने दूरी व दूरी समतल,
दूरी व दूरी समतल, देखो दूरी व दूरी समतल, दूरी व दूरी समतल, दूरी व दूरी समतल, जो क्या है दूरी व दूरी समतल। परिभाषा देखो, जब किसी गोले को परिभाषा, जब किसी गोले को, जब किसी गोले को कोई समतल जब किसी गोले को कोई समतल प्रतिच्छेद करे, प्रतिच्छेद करे, जब किसी गोले को कोई समतल प्रतिच्छेद करे तो प्रतिच्छेदन बिंदुओं पर बिंदुओं पर, प्रतिच्छेदन बिंदुओं पर खींची गई, प्रतिच्छेदन बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, जब किसी गोले को कोई समतल प्रतिच्छेद करे तो प्रतिच्छेदन बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जिन बिंदुओं पर काटती है, जिन बिंदुओं पर काटती है उनका बिंदुपथ दूरी समतल कहलाता है, दूरी समतल कहलाता है। अभी डायग्राम में समझाऊंगा तो सब समझ में आएगा। देखो उसका बिंदुपथ ही दूरी समतल कहलाता है तथा जिस बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है उसे दूरी कहते हैं, तथा जिस बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची गई है उस बिंदु को ध्रुव कहते हैं। जब किसी गोले को कोई समतल प्रतिच्छेद करे तो प्रतिच्छेदन बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जिन बिंदुओं पर काटती है उनका बिंदुपथ दूरी समतल कहलाता है तथा जिस बिंदुओं से स्पर्श रेखाएं खींची गई है उस बिंदुओं को ध्रुव कहते हैं। जैसे देखो करें स्टार्ट, देखो डायग्राम देखो, ये क्या है, स्फीयर है, इसको ये प्लेन कट कर रहा है, अभी थ्री डी में तो अंदर की साइड से प्लेन कट कर रहा है, सिर्फ सामने वाली लाइन के लिए। देखो कह रहे हैं जब किसी गोले को कोई समतल प्रतिच्छेद करे, ये समतल प्रतिच्छेद कर रहा है काट रहा है, तो प्रतिच्छेद बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा, मैं एक ही बात करता हूँ ना, खींची गई स्पर्श रेखा, देखो खींची गई स्पर्श रेखा जिन बिंदुओं पर काटती है,
जिन बिंदुओं पर क्या करती है, काटती है दूसरे बिंदु, यहाँ पे काटती है उनका बिंदु पर दूरीय समतल कहलाता है, उनका बिंदु पर क्या कहलाता है, दूरीय समतल कहलाता है। है ना, इसको भी काट देगी ये बाहर यहाँ से, यहाँ से, ठीक है। एक सिंगल दिख रहा है, खूब सारे प्लेन कट कर देते हैं, तो ये जिन बिंदुओं पर काटते हैं दूसरे को, ये और ये, तो इससे बनने वाला जो बिंदु पर होता है, इससे बनने वाला जो समतल होता है, ऐसा समतल बनी गई थ्री डी ऐसे खड़ा, ठीक है ना। क्या बोला, जब किसी गोली को कोई समतल प्रतिच्छेद करता है, समतल प्रतिच्छेद कर रहे तो प्रतिच्छेद बिंदुओं पर खींची हुई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा को जानते हो, जिन बिंदुओं पर एक दूसरे को काटती है, काटती है उनका बिंदु पर, तो उनका बिंदु पर एक समतल, दूरी समतल कहलाता है, ऐसे ही समतल बनने का खड़ा, ठीक है। तथा जिन बिंदुओं से स्पर्श रेखा खींची जाती है, ये दो बिंदु, उन बिंदुओं को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, क्या कहते हैं, दूर हो गया। डेफिनेशन लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते चलो। स्क्रीनशॉट आगे देखो, इसका दूरी समतल का समीकरण तो लिखो, अतः ax प्लस by प्लस cz प्लस u x प्लस a v y प्लस b y प्लस बी प्लस डब्ल्यू जेड प्लस सी प्लस डी को जीरो, जो दूरी समतल का, जो कि दूरीय समतल का, समतल का अभिष्ट समीकरण है। आगे समझ में, अब इसका स्क्रीनशॉट फिर चलते आगे देखते हैं। ओके, अब देखो दूरी, दूरी समतल का आएगा, उसके दूर की निर्देशांक क्या होंगे वो भी लिखने अपने को, देखो बेटा इसको समतल का दूर, दूरी समतल का आएगा, समतल का दूर पड़ेगी, समतल का दूर क्या होता है, देखो क्या होता है समतल के दूर, तो सब कुछ अपने को डेरिवेशन कर लेनी है, सीधे सीधे अपन दूर की निर्देशांक लिख लेंगे, पहले अपने पूछ ले कि दूर की निर्देशांक क्या होंगे, तो क्या होते हैं देखो, एल आर स्क्वायर अपॉन पी, एम आर स्क्वायर अपॉन क्यू अपॉन पी आएगा, पी पॉइंट है ना, उसमें एन आर स्क्वायर
कोण भी पी, ये हो गई दोनों की दिशा हो गई एल आर स्क्वायर अपॉन पी, एम आर स्क्वायर अपॉन पी और एन आर स्क्वायर अपॉन पी होंगे। सॉरी होंगे ठीक है, कहां से है वो बता दो। देखो उसने समतल तो माने क्या एल एक्स एम वाई एन जेड इक्वल टू बी तथा गोले का समीकरण माना उसने, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तब इसको डेरिवेशन को सॉल्व किया उसके बाद ही आंसर आया। देखो एल आर स्क्वायर अपॉन पी, एम आर स्क्वायर अपॉन पी और एन आर स्क्वायर अपॉन पी इन दोनों से आई डेरिवेशन, डेरिवेशन अपने को नहीं करनी, नहीं आती है ना। आइए सुन ली इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते रहो। ले लिया स्क्रीनशॉट, देखो आगे लिखो, देखो आप आगे चलते आगे हम करेंगे एग्जाम्पल ठीक है इस एक्सरसाइज। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, ये तुम्हारे राजस्थान 2003 और 2012 में आया हुआ ठीक है। देखो क्या है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू वन टू एक्स प्लस फोर वाई प्लस फाइव जेड इक्वल टू सिक्स से गुजरने वाले विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू वन टू एक्स प्लस फोर वाई प्लस फाइव जेड इक्वल टू सिक्स, ये वृत्त का समीकरण, ये वृत्त और दोनों, ये देखो ये गोले का समीकरण, ये समतल का समीकरण, दोनों में इसकी वृत्त का समीकरण से गुजरने वाली समतल जेड इक्वल टू जीरो से गुजरने वाले समतल जेड इक्वल टू जीरो को स्पर्श को स्पर्श करने वाले गोलों के समीकरण ज्ञात कीजिए। करने वाले गोलों के समीकरण याद कीजिए, ये क्वेश्चन है। क्या बोला देखो वृत्त जैसे ये बोला ये बोला इसको एक प्लेन कट कर रहा है यहां पर एक वृत्त बनेगा, ये चीज मैं बता चुका तुम्हारे को ये वृत्त तो ये बोलेगा समीकरण, ये समतल का समीकरण इससे बन गया वृत्त, वृत्त का समीकरण से गुजरने वाले समतल तो से गुजरने वाले समतल जेड इक्वल टू जीरो को इससे गुजरने वाले समतल है ठीक है, इससे से गुजरने वाले समतल ऐसे कुछ भी से गुजरने वाले समतल को स्पर्श करने वाले समतल को स्पर्श करने वाले को स्फीयर से करने वाले गोले के समीकरण याद कीजिए ठीक है। डायग्राम और नहीं बनाना है क्योंकि थ्री डी बनता है तो कंफ्यूज नहीं करता, बस सॉल्व करना अपने क्या क्या निकलता है।
देखो सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन क्या है दिए हुए वृत्त का समीकरण, दिए हुए वृत्त का समीकरण क्या होगा, देखो दिए हुए वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू वन, टू एक्स फोर वाई प्लस फाइव जेड इक्वल टू सिक्स है, ठीक है। इसको नंबर डाल दिया वन, इसको टू। दिए हुए वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू वन, टू एक्स प्लस फोर वाई प्लस फाइव जेड इक्वल टू सिक्स है। इस वर्ष से देखो इस वृत्त से गुजरने वाले, इस वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण, गोले का समीकरण इस वृत्त से, इस वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस वन लैम्डा टू एक्स फोर वाई फाइव जेड इक्वल टू सिक्स। माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो है, इन दोनों को मर्ज करके लिख दिया तो इस वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वन प्लस लैम्डा टू एक्स फोर वाई फाइव जेड माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो है। आगे इसको सॉल्व कर लो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू लैम्डा एक्स फोर लैम्डा वाई फाइव लैम्डा ए माइनस सिक्स लैम्डा माइनस वन इक्वल टू जीरो। इसको नंबर डाल दिया थर्ड, गोले का समीकरण आ गया। अब निकालेंगे इस गोले के केंद्र, के केंद्र क्या क्या होगा, देखो माइनस लैम्डा माइनस टू लैम्डा माइनस फाइव लैम्डा अपॉन में टू है, ठीक है। तथा त्रिज्या, त्रिज्या इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर माइनस का टू लैम्डा स्क्वायर माइनस का फाइव लैम्डा स्क्वायर अपॉन टू और माइनस माइनस अब तो प्लस हो जाएगी, ये डी की वैल्यू सिक्स लैम्डा प्लस वन इक्वल टू। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो राइट साइड में सॉल्व करोगे वन बाई टू रूट में फोर्टी फाइव लैम्डा स्क्वायर ट्वेंटी फोर लैम्डा और प्लस वन प्लस वन ही प्लस फोर, सॉरी है ना, ये तो खुद सॉल्व करना अपन में एलसीएम फोर आ जाएगा, फोर नीचे बाहर आ जाएगा वन बाई टू हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा वन बाई टू फोर्टी फाइव लैम्डा स्क्वायर ट्वेंटी फोर लैम्डा प्लस फोर आगे समझ लीजिए। चले आगे, आगे देखो, ठीक है। देखो चूंकि चूंकि गोला
थर्ड चूंकि गोला, थर्ड समतल जेड बराबर जीरो, क्योंकि गोला थर्ड समतल जेड बराबर जीरो को स्पर्श करता है, क्योंकि गोला थर्ड समतल जेड बराबर जीरो को स्पर्श करता है, अतः गोले की केंद्र अतः गोले के केंद्र से गोले केंद्र से इस समतल पर डाले गए लंब की लंबाई क्योंकि गोला थर्ड समतल जेड बराबर जीरो को स्पर्श करता है, अतः गोले के केंद्र से इस समतल पर डाले गए लंब की लंबाई गोले की त्रिज्या के बराबर होती है, क्योंकि गोला थर्ड समतल जेड बराबर जीरो को स्पर्श करता है, अतः गोले के केंद्र से एक समतल पर क्योंकि गोला थर्ड समतल जेड बराबर जीरो को स्पर्श करता है, अतः गोले के केंद्र से इस समतल पर डाले गए लंब की लंबाई गोले की त्रिज्या के बराबर होगी। तुम चाहे निकाल के देख लेना आराम से, परपेंडिकुलर निकालना बता दिया ना, निकालोगे तो भी इसी इक्वल आएगी हमेशा, चेक कर लेना यदि जेड बराबर जीरो देखते हैं। ठीक है, तो आगे देखो, अतः क्या बोला देखो, क्योंकि गोला थर्ड समतल को जेड बराबर जीरो को स्पर्श करता है, अतः गोले के केंद्र से इस समतल पर डाले गए लंब की लंबाई गोले की त्रिज्या के बराबर होती है। क्या होती है? गोले की त्रिज्या की बराबर होती है। तो लिख दी क्या थे अपन कर देंगे गोले की त्रिज्या के बराबर, देखो क्या हो जाएगी, मोड माइनस फाइव लैम्डा, ये तो देखो एक्स के साथ है जीरो, एक्स की वैल्यू इसमें देखो जेड बराबर जीरो में वन जेड, एक्स की वैल्यू जीरो से लिख रहे हैं आप देखो जीरो एक्स जीरो वाई वन जेड इक्वल टू जीरो, ये एफ लेंगे जीरो लैम्डा जीरो, जीरो टू लैम्डा जीरो, वन लैम्डा या जीरो फाइव लैम्डा अपॉन टू, मेरे पास क्या रहेगा फाइव लैम्डा अपॉन टू, और अपॉन भी क्या रहेगा जीरो का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर वन का स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर बन आ जाएगा और रूट में आएगा तो बन जाएगा। ये मेरे पास आ गई लंब की लंबाई जो क्या है गोले की त्रिज्या के बराबर, इसके बराबर है तो वृत्त के बराबर जो क्या हो जाएगा वन बाई टू रूट टू फोर्टी फाइव लैम्डा स्क्वायर ट्वेंटी फोर लैम्डा प्लस फोर वृत्त के बराबर। सॉल्व करो उसको, उधर से स्क्वायर नंबर इधर स्क्वायर हो जाएगा, उधर से रूट नंबर इधर स्क्वायर हो जाएगा, ट्वेंटी फाइव लैम्डा स्क्वायर अपॉन फोर इक्वल टू वन बाई टू 45 लैम्डा स्क्वायर 24 लैम्डा प्लस 4 आगे, और पीछे जाकर दोनों साइड स्क्वायर किया तो 1 बाई 2 का स्क्वायर रूट होगा, ये बाहर ही इसमें 1 बाई 4 4 से 4 कैंसिल, सॉल्व कर लेंगे इसको क्या हो जाएगा 20 लैम्डा स्क्वायर 24 लैम्डा और प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको स्प्लिट करोगे तो क्या जाएगा दूसरी तरह चालीस है सी तरह चालीस सी लैम्डा की वैल्यू माइनस वन और माइनस वन अपॉन फाइव आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू क्या क्या जाएगी माइनस वन और
माइनस वन बाई टू। तो देखो लैम्डा के लिए आ रखी है इसकी जगह इसमें, तो मेरे पास गोले के समीकरण आ जाएंगे जो क्या करते हैं समतल को स्पर्श करते हैं। और मुझे चाहिए भी क्या, समतल डेढ़ ग्राउंड जीरो को स्पर्श करने वाले गोले के समीकरण। समझ में आ गया, जो करो। अतः अभिष्ट अतः अभिष्ट गोलों की समीकरण, अतः अभिष्ट गोलों की समीकरण क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस वन लैम्डा के लिए माइनस वन, और ये सी के सह जाएगा क्या बन गया, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर टू लैम्डा के लिए माइनस वन तो माइनस टू एक्स माइनस वन के लिए माइनस फोर वाई माइनस फाइव जेड लैम्डा की माइनस वन रखूंगा तो सिक्स हो जाएगा, प्लस का सिक्स माइनस वन तो प्लस का फाइव इक्वल जीरो, एक तो ये आ गया। एक मेरे पास बनेगा जहां लैम्डा के लिए वन बाई फाइव रखूंगा तो फाइव टू ड्राइवर बच जाएगा, क्या बनेगा फाइव एक्स स्क्वायर फाइव वाई स्क्वायर फाइव जेड स्क्वायर माइनस, बाकी क्या है माइनस वन ही, बाकी ऐसे कैसे वो टू ए जाएगा आ जाएगा, क्या आएगा देखो माइनस का टू एक्स माइनस का फोर वाई माइनस का फाइव जेड प्लस फाइव टू जीरो है ना, बस फाइव की जगह वन आएगा। समझ में आएगा क्योंकि वन अलग से लैम्डा के साथ में नहीं है, इसको सॉल्व करोगे तो वन आएगा प्लस में। समझ में आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं। देखो देखो दोबारा समझा रहा हूं, बताओ आगे देखो वृत्त एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू वन टू एक्स प्लस फोर वाई प्लस फाइव जेड इक्वल टू सिक्स, देखो इस गोले का समीकरण है ये समतल का दोनों मिला के वृत्त से गुजरने वाले समतल इससे एक समतल गुजरता है जेड ग्राउंड जीरो, इस समतल को स्पर्श करने वाले गोले का समीकरण याद करना है मेरे पास ध्यान देखो बी वृत्त का समीकरण ये इन दोनों को मिला दूंगा इस ब्रिज से गुजरने वाली गोले का समीकरण, पहले तो ब्रिज से गुजरने वाले गोले निकालूंगा क्योंकि समतल को भी स्पर्श करते हैं, क्या हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस वन प्लस लैम्डा टू एच फोर वाई फाइव जेड माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो यह जाएगा इस गोले की केंद्र होगी माइनस लैम्डा माइनस टू लैम्डा माइनस फाइव लैम्डा अपॉन टू, तथा त्रिज्या होगी लैम्डा का स्क्वायर टू लैम्डा का स्क्वायर माइनस फाइव लैम्डा का स्क्वायर, डी की वैल्यू यहाँ माइनस डी आता है डी प्लस हो जाएगी, इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा। अब देखो क्योंकि गोला थर्ड ये नया गोला बन गया, थर्ड समतल जेड बराबर जीरो को स्पर्श करता है, जेड बराबर जीरो नहीं इस वाले समतल को स्पर्श करता है, अतः गोले के केंद्र से इस समतल पर डाले गए लंब की लंबाई गोले की त्रिज्या के बराबर होती है, क्योंकि गोला तर्ण समतल जेड बराबर जीरो को स्पर्श करता है अतः गोले के केंद्र से इस समतल पर डाले गए लंब की लंबाई गोले की त्रिज्या क्या होती है
बराबर होती है। इसका मतलब इसकी त्रिज्या क्या निकलेगी, जीरो लैम्डा, जीरो टू लैम्डा, वन मल्टीप्लाई फाइव लैम्डा अपॉन टू, और अपॉन में रूट में जीरो का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन, तो वन इक्वल टू त्रिज्या की बराबर होती है, त्रिज्या बराबर होती है। इन दोनों सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू माइनस वन और माइनस वन बाई टू आएगी। इसका मतलब गोले की समीकरण दो आएगी, एक तो लैम्डा इक्वल टू माइनस वन रखूंगा तो ये आ जाएगा, एक लैम्डा इक्वल टू माइनस वन बाई फाइव रखूंगा तो ये आ जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जिसने भी नहीं लिया, सिक्स क्लास को यही ऐड करते रहो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।